हेलो दोस्तों, से हमारे चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो गया है और कब पहली फ्लाइट आएगी इसके बारे में भी बता गया है। तो क्या न्यूज़ है, और दोस्तों ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दोस्तों ये जो है दैनिक जागरण में छपा था, जो आज के अखबार में है, तो वो मैं पढ़कर आपको दिखा देता हूँ कि कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में क्या लिखा था। और दोस्तों इसका फुल क्रेडिट जो है वो दैनिक जागरण को जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे जो ऊपर लिखा है वो लिखा है कुशीनगर एयरपोर्ट से 20 अक्टूबर से हो रही है उड़ान, श्रीलंका से आएगी पहली फ्लाइट। अब इसके आगे लिखा है, तो मेन हेडलाइन था। अब लिखा है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई है। संभावना है कि 20 अक्टूबर को श्रीलंका का विमान 125 यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसमें 100 बौद्ध भिक्षु व श्रीलंका के 25 सदस्यीय राजनयिक व प्रशासनिक अधिकारी शामिल होने की बात कही जा रही है। आगे लिखा गया है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तैयारियां है वो भी शुरू कर दी गई है। अब इसके आगे जो लिखा है कि यात्रियों का 2 घंटे कुशीनगर में रुकने का है कार्यक्रम। प्रस्तावित कार्यक्रम में 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एयरबेस 321 से आने वाले यात्रियों को 2 घंटे कुशीनगर में रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान यात्री एक होटल में ब्रेकफास्ट लेने के बाद महापरिनिर्वाण मंदिर बौद्ध की 5वीं सदी की प्रतिमा व बुद्ध की समुदाय दाह संस्कार स्थल पर दर्शन अर्चना करेंगे। अब दोस्तों इसके आगे जो है बताया गया है कि कोविड का भी ख्याल यहां पर रखा जाएगा। और DMS राजलिंगम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर के 3रे सप्ताह में होने की संभावना है। कोई अगर तयशुदा कार्यक्रम अभी नहीं है, लेकिन संभावना है कि 3रे हफ्ते में, यानी कि इस महीने के 3रे हफ्ते में लगभग 15 से 20 के बीच में जो है उद्घाटन होने की संभावना बताई जा रही है। और आगे लिखा है कि PM के आने का है मतलब कयास, हो सके तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कयास में लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट सूत्र के अनुसार अभी PM के आने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना तय माना जा रहा है। अब जो उद्घाटन होगा उसके बाद से जो लोगों का भीड़ आएगा उसके लिए भी मंच बनाने की जो प्रक्रिया है, तो वो DM ने उद्घाटन समारोह के मंच के लिए टर्मिनल जो बिल्डिंग है उसके बाहर जगह देखी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जरूरी निर्देश दिए हैं। लोगों के बैठने के लिए पंडाल सीटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट नहीं आ पाएगी, चुनाव बाद आएगा, या फिर इतने बहुत सारे सवाल थे, लेकिन दोस्तों फाइनली पता चल गया है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है 20 तारीख को शुरू हो रहा है। और दोस्तों अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों जैसे ही कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, उसके बाद से आप लोग अरबियन कंट्री में रहते हैं, तो उसके बाद से आप लोग भी जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे जो है वो जुड़ जाएंगे। अब जैसे ही पहली फ्लाइट आती है 20 अक्टूबर को आएगी श्रीलंका से, उसके बाद से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई, उसके बाद से उड़ान जो है वो शुरू हो जाएगी, और हो सके तो डोमेस्टिक भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कई वीडियो में बताया गया है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है टिकट बुक हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी किसी प्रकार का जो है वो टिकट बुक नहीं हो रहा है, तो आप सभी इस झांसे में मत पड़िएगा। बाकी दोस्तों इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।